जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि PSSB क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 2789 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये भर्ती क्लर्क क्लर्क आईटी क्लर्क अकाउंट्स के पद पर निकाली है जिसमें कि आप लोग फॉर्म 23 अक्टूबर 2021 से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। पोस्ट वाइज वैकेंसी आप यहां पर देख सकते हैं। एज लिमिट आपकी कितनी रहेगी वो आप देख सकते हैं जो कि बेसिकली 18 से 37 साल के बीच रहेगी और 1 जनवरी 2021 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। अभी यहां पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए। कलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके आपसे इनमें से क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। इसी प्रकार से क्लर्क आईटी की क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं और अकाउंट क्लर्क की क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने आपको कहा मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आना है और नीचे आकर के ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ क्लर्क यानी कि 374 जो पोस्ट निकली है इस पोस्ट पर, इसके लिए तो आपको यहाँ पर आना है और इसके अप्लाई और कलर के यहां पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर जो आपका पेज है रजिस्ट्रेशन का वो आ जाएगा। आपको अपना पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर सेम वे में आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि वैलिड होनी चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अनुसार भरनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कैलेंडर से पहले आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर इस जानकारी को वेरीफाई करते हुए आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको दिया है कि स्टार्ट विद योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो आपको यहां पर नीचे आना है। नीचे आकर के प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। यहां पर अब आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम यहां पर आपका दिया गया है, मदर नेम अब आपको यहां पर अपना एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहां पर डोमिसाइल का आपके सामने सेक्शन है तो आपको यहां पर डोमिसाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको बताना है कि आप पंजाब के निवासी है या फिर अदर स्टेट के है। तो यहां से मैं पंजाब सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपके अदर डोमिसाइल है तो आप यहां पर आपकी स्टेट का नाम लिखेंगे अगर आप इसमें डोमिसाइल में अदर सिलेक्ट कर रहे हैं। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वही आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहां से जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर अगर आप विमुक्ति जाति से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पर उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप उससे बिलोंग हो, नहीं तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन दिया है, आपको पूछा कि डू यू वांट एज रिलैक्सेशन, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। छूट सिर्फ SC ST कैंडिडेट को और OBC को मिलती है, तो वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है, आपकी एज दी गई है, नीचे आपका मोबाइल नंबर दिया गया है। अब आपको यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ टाइप आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उस आईडी का नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद प्रोसीड नेक्स्ट टू गवर्नमेंट सर्विस डिटेल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने गवर्नमेंट सर्विस की जो डिटेल है वो आ चुकी है, तो आपसे पहले पूछा कि क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड, क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको केस की डिटेल देनी होगी। फिर आपसे पूछा कि क्या आप किसी केस के अंदर दोषी ठहराए गए हो कोर्ट के द्वारा, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो आपके ऊपर आप किसी केस में दोषी ठहराए गए हो तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी जो कि एक्टिव हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन यस करने के बाद में। हैव यू एवर बीन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर रहे हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे आगे कोई भी जानकारी फिल करने के लिए नहीं बोली क्योंकि आप फ्रेशर
करो तो आपको नीचे प्रोसीड नेक्स्ट विद एड्रेस डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, तो आपका उस स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर यूपी सिलेक्ट किया है, बट अगर आप पंजाब सिलेक्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और डिस्ट्रिक्ट ये सिलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस वाले बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रोसीड विद क्वालिफिकेशन डिटेल, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको 10th से जानकारी भरनी स्टार्ट करनी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एड न्यू क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सेक्शन में 10th सेलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन नेम में 10th आ जाएगा, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने पास की थी उस बोर्ड का नाम लिखना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर लिखना है, टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि कितने में से आपको ये नंबर आए थे, आपकी परसेंटेज क्या थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और ग्रेड आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सॉरी डिग्री मोड आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से एड न्यू क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्वालिफिकेशन में से आपको इस बार जो जानकारी सिलेक्ट करनी है वो है आपकी ग्रेजुएशन की, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन आपसे मांगी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है वो आपको एंटर करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास की है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी, डिग्री मोड भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। सेम वे में फिर से आपको एड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है 120 होवर कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल, इनमें से कोई भी आपके पास है, कोई हाइस्ट क्वालिफिकेशन है, कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है, तो जो भी है वो पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं ये 120 होवर कंप्यूटर कोर्स सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद यहां पर ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ये कोर्स आपने कब पास किया था वो आपको यहां पर एंटर करना है। आपको अपनी इंस्टीट्यूट का नाम देना है या फिर उस बोर्ड का नाम देना है जहां से आपने ये पास किया है, कितने नंबर आपको आए थे, बेसिकली बाकी जानकारी आपको सेम वे में भरनी है। अब आपको नीचे प्रोसीड विद डॉक्यूमेंट अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है, इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में। अब यहां पर आपको आपका फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जो आपका फोटो है पासपोर्ट साइज का एंड सिग्नेचर का, उनका फॉर्मेट इनमें से कोई एक रहना चाहिए, और आपके फाइल का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको एक पीडीएफ के रूप में आपकी एक और फाइल अपलोड करनी है, जिसमें कि आपको सभी डॉक्यूमेंट ऐड कर देने हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, अगर आपने जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया है कंप्यूटर कोर्स का उसकी फोटोकॉपी सर्टिफिकेट की इसके साथ अटैच करनी है, तीसरा आपकी जो ग्रेजुएट की डिग्री है जिसका सर्टिफिकेट है वो भी आपको इसी पीडीएफ में अटैच कर देना है, यानी कि तीनों फाइल आपको एक पीडीएफ में अटैच कर देनी है। आपको गूगल के अंदर इसको अटैच करने के लिए क्या करना है, आपको इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है, और फिर फाइल वेबसाइट को ओपन करके उसमें ये तीनों या जो भी आपके इमेज है 3-4 वो डाल देने हैं, और उसको पीडीएफ के रूप में बना लेना है, फिर आपको यहां पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मैं यहां पर पहले आपको फोटो अपलोड करके दिखाता हूं, तो चलिए मैं यहां पर आता हूं और इस फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूं, तो आपकी फाइल आ जाएगी। आपको अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है, आपका फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगा। सेम वे में आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपका सिग्नेचर वो सिलेक्ट करना, और यहां से ओपन करके अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये भी आपका अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपकी पीडीएफ की फाइल है वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से ओपन कर देता हूं। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। आप यहां पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको प्रोसीड टू एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपसे पूछा कि पंजाबी पास्ट एट 10th लेवल और इक्विवेलेंट,
क्या आपने पंजाबी 10th लेवल पर पढ़ी है या उसके बराबर, तो आपको यस करना है क्योंकि ये इसमें कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए। डू यू पोसेस द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। और प्रोसीड टू रिव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको यहाँ पर एक बार रिव्यू और ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको यहाँ पर नीचे आइए, प्रोसीड टू नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्विस डिटेल, इनको वेरीफाई कीजिए, फिर एक बार फिर से यहाँ पर नीचे क्लिक कर दीजिए इस जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर आपकी एड्रेस की जानकारी वेरीफाई कर लेनी है, फिर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी वेरीफाई करनी है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी वेरीफाई करनी है, और फिर यहाँ पर आपको सेम वे में प्रोसीड टू रिव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आई रिव्यूड माई एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके बाद रिव्यू योर अंडरटेकिंग, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है अंडरटेकिंग जिसको आप बोल रहे हो। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, आई अग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। आपको जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसका अमाउंट यहाँ पर देख पाएंगे, और आपको बोला है कि काइंडली डिपॉजिट योर फी जो कि अमाउंट है 1000 रुपये का ऑन 3rd डे आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, यानी कि जिस भी डेट में आपने फॉर्म को सबमिट किया है उसके 3rd दिन बाद आप अपनी फीस को जमा कर पाएंगे, उसका लिंक तभी एक्टिव होगा। आपको बोला है कि यू कैन लॉग इन अगेन आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 दिन के बाद आपको फिर से लॉग इन करना है, जो लॉग इन डिटेल आपको सेंड की है, और उसके बाद आपको फीस पे करनी है, और उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का जो PDF है या फिर फॉर्म का जो भी आपका फॉर्म है एप्लीकेशन वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग पंजाब SSSB क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।